म्युनिसिपल कारपोरेशन गुरुग्राम एमसीजी के कमिश्नर यशपाल यादव ने प्रेस वार्ता कर हाल ही में गुरुग्राम में नगर निगम द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देने के साथ साथ गुरुग्राम की बेहतरी के लिए जल्द शुरू होने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। प्रेस वार्ता नगर निगम कमिश्नर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले साल की तुलना में इस साल गुरुग्राम की बेहतर रैंकिंग के बारे में भी जानकारी दी। वहीं नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी जानकारी दी। देश की राजधानी दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम में अब अवैध निर्माण करने वालों व एनक्रोचमेंट करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा, यह कहना है गुरुग्राम म्युनिसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर यशपाल यादव का। दरअसल गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि नगर निगम द्वारा पिछले एक साल के दौरान अवैध निर्माण करने वाले लगभग 800 लोगों को नोटिस भेजे हैं और 156 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की है। नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि बाकी बचे लोगों के खिलाफ 16 फरवरी तक कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यह भी बताया कि अब गुरुग्राम वासी नगर निगम की ऐप पर जाकर कोई भी शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। सबसे पहले जो विभिन्न योजनाएं हम करना चाह रहे थे वो लोगों तक आप लोगों ने पहुंचाई, इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप सब लोगों जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो आपके माध्यम से बाकी जो साथी हैं हमारे। वहीं नगर निगम कमिश्नर ने हाल ही में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम में स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार हुआ है और स्वच्छ सर्वेक्षण टीम के जो नई रैंकिंग जल्द आने वाली है उसमें गुरुग्राम की स्थिति काफी सुधरेगी। गुरुग्राम निगम आयुक्त द्वारा सड़क बनाने के दौरान सीवर लाइन डालने व अन्य कार्यों में कमी को सुधारने की भी बात कही। उसके द्वारा ही तैयार की गई है और सभी जूनियर इंजीनियर्स के जो स्मार्टफोन से उसमें इसको अपलोड कर दिया गया है उसके माध्यम से ये सारा जो भी फोटो लेंगे उसका डाटा हमारे पास आएगा। एक बार जरा और ये एंड्रॉइड बेस्ड ऐप है, हमारे जितने भी जूनियर इंजीनियर्स हैं सबको डलवा दिया गया है इसके पर। ये इन हाउस डेवलप्ड ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर पर कहीं नहीं मिलेगी, ये हम खुद ही यहाँ पर डाल सकते हैं। सभी जेईस के पास इंडिविजुअल यूजर नेम पासवर्ड है अपने अपने, मैं आपको एक बार पूरा डेमो भी करके दिखा दूंगा इसका। लॉगिन होने के बाद क्योंकि मैप बेस्ड है थोड़ी सी हैवी ऐप होती है, सारे जियो रेफरेंस खुद पिक करके लाती है। ये जो ब्लू डॉट हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारी करंट लोकेशन है। यहाँ पर एक नया ऐड रिकॉर्ड करने का बटन है, इसको टैप कर अगर हम हमारा ये जो सेल फोन है अपनी लोकेशन खुद पिक नहीं कर रहा है तो ये बोलता है कि टैप कर लो, अगर हम उसी एरिया में नहीं है कहीं और हैं तो वहीं उसी ब्लू डॉट पर टैप करेंगे तो वो हमारी लोकेशन इसने पिक कर ली इस रेड डॉट पे। अब ये ऐड रिकॉर्ड करेंगे दोबारा, यहाँ से हम वॉल्यूशन टाइप सेलेक्ट करते हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है या एनक्रोचमेंट ऑन एमसीजी लाइन है या एनक्रोचमेंट ऑन राइट ऑफ वे है, कोई भी एक टाइप सेलेक्ट कर ले। उसका जोन सेलेक्ट करते हैं कौन से जोन में है, ऑल्दो वी आर वर्किंग ऑन की ये ऑटोमेटिकली पिक कर ले, अभी हमने इसको मैनुअल मोड में रखा हुआ है। उसका वार्ड सेलेक्ट करते हैं, वॉलेटर का नेम अगर हमें मालूम है तो वो डालते हैं, उसका एड्रेस हमें डालना कंपलसरी होता है क्योंकि मालूम होता है कि एड्रेस कहाँ पर है। नीचे आ जाए, ठीक है, उसका लैंडमार्क डालते हैं, लैंडमार्क भी डालना जरूरी है, नियर एमसीजी ऑफिस। अगर वॉलेटर का मोबाइल नंबर मालूम है उस टाइम पे तो वो डालते हैं, नहीं तो हम इसको बैकएंड से बाद में भी इनपुट डाल सकते हैं पता लगने के बाद। ये बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम फीड करने के बाद फोटोग्राफ्स अटैच करते हैं, इसमें हम मैक्सिमम 5 फोटोग्राफ अटैच कर सकते हैं किसी भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस की एड अटैचमेंट का। ये भी यहीं की हम एक टेस्ट एंट्री करके देख रहे हैं, एक फोटो डाली ओके किया, अगर फोटो रिट्राई करना है तो रिट्राई कर सकते हैं, ऐसे मल्टीपल हम 5 टाइम्स फोटो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करना ये पूछता है सबमिट, बस इस ऐप के थ्रू हमारे पास ये डेटा हमारे बैकएंड सर्वर पर आ जाता है, इसकी डिटेल कौन से जेई ने डाला है, कौन से एरिया का है, कौन से वार्ड का है, उसका लैंडमार्क मोबाइल नंबर वॉल्टर का सब हमारे पास आता रहता है। इसी के बैकएंड के जरिए हम यहाँ से जो इसकी फर्दर प्रोसेसिंग है उसका अगर हमारे को
कुछ डेमोलिशन ऑर्डर पास करना है या नोटिस को इश्यू करना है सीलिंग के लिए, वो सब इसी इसी ऐप के माध्यम से होता है। सारा पेपरलेस सिस्टम चलता है पूरा का पूरा, इसमें पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है इसमें।